अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वाले दिन हम किए थे बेबी रिची के साथ रेस, और अभी भी रिजल्ट से ही समझ नहीं आया कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हो, बिकॉज अभी भी टाइम है, और इसका जो रिजल्ट है वो कल के वीडियो में आएगा। खैर, हम ये बोल रहे थे, जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर है, मेरे पास एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन सुपर कार है। बट आज हम एक बहुत ज़्यादा वियर्ड काम करने वाले हैं। आज हम बनेंगे रिक्शा वाला। हाँ गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा रिक्शा क्या होता है, मतलब कि यार आप लोग एक ना एक बार तो ऑटो रिक्शा में बैठे होंगे, ऑफ कोर्स बैठे होंगे। देखो, मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी एवेंटेटोर है लिमिटेड एडिशन वाली, जिससे हम कल रेस किए थे, ठीक है। और मेरे पास एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बाइक भी है, एक क्वाड बाइक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। पर मालूम है आज हम क्या चला, आज हम चलाने ये लेजेंडरी कार। हाँ गाइस, एक रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा हम चलाने वाले हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कभी इस वाले रिक्शा में बैठे, मतलब कि इस टाइप वाले रिक्शा में, यार से कमेंट करके बताना। और बैठे हो तो यार लाइक भी कर देना, अभी का भी लाइक कर दो, और चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा फनी चीज़ करने वाले हैं, आज हंसी मजाक भर भर के होने वाली है। मतलब कि इतना ज़्यादा आज हंसी मजाक होगा ना, मतलब कि इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं होगा इतना हंसी मजाक जितना आज होने वाला, बहुत ज्यादा होगा हंसी मजाक। बाकी तो यार अभी मैं जा रहा हूं पुलिस स्टेशन, वहां से कुछ आदमी को मैं अपने ऑटो में बैठाऊंगा, और फिर पार्टी शार्टी। ये क्या हो गया यार, अभी तो मैंने ऑटो थोड़ा सा चला ही है और मेरा ऑटो अभी अटक गया। मतलब यार क्यों मेरा बेइज्जती करा रहा है तू, कतई पागल हो गया है क्या? नहीं, कतई पागल हो गया, हमेशा मेरा ही बेइज्जती कराते रहे भाई साहब। भाई साहब अटक, देखो भाई साहब कैसे निकलेगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, बट कोई नहीं कोई नहीं, मेहनत करने से क्या नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो ऑफकोर्स ये रिक्शा भी हम निकाल ही सकते, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑफकोर्स निकल गया, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि ये रिक्शा निकल गया, और ये चीज़ से हम बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी तो यार सीधा हो जाए भाई, यार ये ऑटो में बहुत ज़्यादा फनी चीज़ है, मतलब यार इधर चला उधर चला, मतलब कि ऐसे ऐसे जो होता है ना, ये इधर से उधर होना बहुत सही लगता है ये चीज़। खैर कोई नहीं, सो अभी यहाँ पर एक बंदा जो नाच रहा है, मुझसे बात करके देखे देखते कि वो क्या बोलता है, कहाँ जा रिक्शा भाई, रुक जा तू पागल हो गया क्या? हाँ भाई, ये बता कि तू कहाँ चलेगा, वैसे टकला हो ये, टकले टकले, हाँ धूप धूप सोख रहा है, हाँ भाई जादू है क्या, तू धूप खा रहा है? ओ भाई साहब, जादू धूप खा रहा है। अबे गोरिल्ले के शक्ल से चल निकल, इधर से चप्पल से मार खाएगा, निकल। तूने मुझे गोरिल्ला बोला, रुक तो भाई साहब कहाँ भाग रहा है, ये खुद तो अदरक जैसा शक्ल है इसका, और हमको गोरिल्ला बोला, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा, कति पागल हो गया कैसे, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है भाई, तू पागल है क्या? भाई साहब अदरक जैसा शक्ल, भाई साहब मैं क्यों ऐसा फालतू फालतू मजाक करता हूँ। खैर कोई नहीं भाई, रुक जा तू पागल, ये इसको कैसे बीमार हो गया क्या भाई साहब, क्या ये कौन सा डांस कर रहा है अपने बदन कैसे से, और ये पुलिस वाले की पागल है, ये कैसे चलते हैं भाई, तुम पागल हो गए हो पुलिस वालों, नहीं नहीं कतई तुम लोग सब पागल हो गए भाई साहब, ये सब इनके पास तो दिमाग है ही नहीं, अजीब अजीब हरकत करते रहते हैं ये पुलिस वाले, हर वक्त अजीब हरकत, मतलब कि यार बोलना ही बेकार उन लोगों के बारे में, हटाओ इन लोग से बात करते, और वही के बात है सब ठीक ना भाई साहब, ये लोग कुछ बोलते ही नहीं, मुझे क्या मन करता है इनको ना पट्टा से शॉट दो, अभी देखना 1 2 एंड द लास्ट वन इज, अब भाई साहब तुम अपना आखिरी गिनती गिन लो गया भाई साहब, ये जो गन है स्नाइपर राइफल ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, इससे आदमी लोग को लगता है ना आदमी लोग इतना दूर फेंका जाता है, ये बहुत बेहतरीन गन है, मतलब क्या ये मेरी फेवरेट गन है। ओ भाई साहब ये कैसे आ रहा है भाई, तो ये क्या कर रहा है, तू तो फेलियर है फेलियर है, तू तो फेलियर है, तू तो फेलियर है फेलियर है। भाई लोग ये मुझे फेलियर बुला रहा है, एक बार मैं खराब रिजल्ट के ला दिया भाई साहब, सब मुझे फेलियर ही बुला रहे हैं, अब तो मैं इसे नचा नचा के मारूंगा भाई साहब, क्या समझ रहा है तू अपने आप को, नहीं नहीं तू समझ रहा क्या भाई साहब, नाच ले ये तेरी जिंदगी की आखिरी नाच होगी, क्योंकि इसके बाद तू नाचने के लिए बचेगा ही नहीं, और खत्म यार। हेडशॉट लगा हेडशॉट, तू कहाँ भाग रहा है भाई, हाँ तू भी उसका दोस्त है ना भाई साहब, दोनों को लगा पट से हेडशॉट पट से, अपने आपको ये लोग समझते क्या भाई साहब, मेरा बेइज्जती कर रहे हैं, एक ने मुझे गोरिल्ला बोल रहा है तो एक मुझे फेलियर बोल रहा है, नहीं नहीं क्या, नहीं नहीं क्या, यही दिन देखने के लिए हम पैदा हुए यार, हम गैंगस्टर है डूटपुर के, पर यार मेरा किसी के पास डर ही नहीं, हम बेबी है तो क्या हुआ, हम बेबी है तो क्या हुआ, दिल वाले है, ये मैं क्यों बोल रहा भाई साहब, ये तो इसमें कुछ मैच किया ही नहीं। देखो यार जितना फनी फनी चीज़ हो रहा है ना यार, पक्का ये एक बेहतरीन फनी मोमेंट है यार, टूथ वॉर में फनी मोमेंट हो तो यार ऐसा ही हो, कितना ज़्यादा फनी है ये। खैर कोई नहीं, सो अब मेरा एक बहुत बेहतरीन मिशन है, जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम है केरल, ओ भाई साहब कितना घूम रहा है भाई साहब, जिमनास्टिक करता है ऑटो भाई, हैशटैग ऑटो जिमनास्टिक, यार मैं क्या बोलता हूँ, मतलब यार सच में ये जो रिक्शा ये कैसे गोल गोल घूम रहा है, बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप, भाई साहब हर एक स्टंट खुद ही मार ले रहा है, बहुत बहुत बेहतरीन है भाई साहब ये वाली गाड़ी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे मेरे यहाँ पर भी कुछ और दोस्त रहते हैं, मैं उन लोग से थोड़ा सा बात कर लूँ, वैसे वो लोग कहाँ बैठे रहते, भिखारी लोग कितना अच्छे यहाँ पर है भाई साहब, इतना ज़्यादा खराब आदत है अपना को, फ्रोंग लैंड भाई साहब एक को लग गया गलती से, ये भाई साहब दूसरे को भी लग गया, इसका ब्रेक बेकार है, दो लोग ऐसे मर गए बेचारे लोग, और भाई तू
ये अपने आग में क्या लगा लिया भाई, सब ये अलग ही नशे में है। नहीं नहीं ये तो अलग ही नशे में, इसको तो मैं इसको राइफल से मार दूंगा। मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे पता भी नहीं कि ये क्या हो रहा है भाई साहब। रिक्शा हमसे गुस्सा हो गया क्या भाई साहब? पेट्रोल भरा दूंगा, आ जा मेरे पास यार, पेट्रोल भरा दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब यार बहुत फनी वीडियो बन रही है ये। अगर आप लोग को हंसी आ रहा है तो अभी कभी लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ हंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद से बताना। हाँ तो मैं अब जाने वाला हूँ किरिल अंकल के पास और उनसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि यार ये लोग तो बदतमीज थे, कोई मुझसे बात किए नहीं, फालतू का सब मर गए, ड्रामा कर रहे थे, कोई मुझे गोरिल्ला बोल रहा था, और ये देखो ये बेचारा कैसे निपट गया भाई साहब। मैं बात करते करते ना देख रहा नहीं हूँ सामने लोग आते जा रहे हैं, वो लोग को लग रहा है उड़ा के फेंका जा रहे हैं। भाई साहब आदमी लोग यहाँ से उड़ कैसे आते भाई साहब आसानी से? नहीं नहीं ये गेम इतना ज़्यादा अजीब है, यहाँ के लोग मतलब क्या टक्कर लगाने की आसमान में हो जाएंगे, अजीब हरकत है भाई, ये क्या बात हुई? मतलब क्या कुछ भी करते हैं ये लोग, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये गाड़ी वाला तो अलग ही पगला गया भाई, तू पागल है क्या? ड्राइविंग लाइसेंस है तेरे पास, कैसे चला रहा है? बुड्ढा लोग कितना निकल भाई साहब, अलग अलग इसको कैसे यार, इन लोग को कैसे लग जा रहा है? मुझे दिख रहे भी नहीं ये लोग, उन लोग को चोट लग जा रहा है भाई साहब, अलग ही इन लोग दुनिया में जी रहे हैं। खैर कोई नहीं, सो हम किरण अंकल के पास आ गए। और भाई साहब किरण अंकल क्या हाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी न्यू लैम्बोर्गिनी हायाबुसा फरारी वाली ऑटो रिक्शा? ओ भाई साहब, छी छी क्या क्या तुम चलाते हो यार, तुम इतने ज्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है और तुम ये घटिया सा रिक्शा क्यों चला रहे हो भाई साहब? मुझे ये बता दू मतलब क्या इतना ज्यादा ये घटिया है रिक्शा है, और तुम्हारे साथ कोई बैटर वैटर नहीं है क्या? वही सब तुमसे गुस्सा हो गया क्या? तुम्हारे पास कोई बैठा ही नहीं है क्या? बात है, सब ठीक चल रहा है ना? इतना गरीबी आ गया क्या? नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं गरीबी वरीबी की और ना ही। हाँ मुझे पता है कि मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है, बट यार ये कोई ख़राब काम है क्या? अरे शब वाला भी तो एक अच्छा काम है, आई मीन उतना अच्छा नहीं है बट यार हम लोग कर सकते हैं ना। हम बस यही देख रहे थे कि रिक्शा वाले लोग का लाइफ कैसा रहता होगा, कितना सा टेंशन रहता होगा उन लोग को भाई साहब, उन लोग कैसे जी रहा, बहुत मुश्किल उन लोग की तरह। वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका तो सब काम हम ठीक चल रहा है ना? और थैंक यू, मैं एक और बार आपको बोलना चाहती कि आप हमको मेरे बर्थडे में, बर्थडे नहीं आई मीन बर्थडे तो यार ख़राब चीज़ होता है, आप मेरे अच्छे रिजल्ट आने की वजह से आप मुझे एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर दिए थे, तो इसलिए थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। वो सब तो ठीक है, अभी हो रहा है अंधेरा, सो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर चल जाओ, वरना मैं ऋषि भैया को बता दूंगा कि रात रात भर यहाँ पर रिक्शा विक्शा लेके घूमते जाओ, अंधेरा हो रहा है, रात को बाहर नहीं निकलते। अरे बट ऋषि भैया है कहाँ? सायरन ने उनको क्या पकड़ लिया, पता नहीं वो कहाँ चले गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं, और वो कहाँ गया? ओ भाई साहब मेरा रिक्शा कहाँ ना दूर चल गया भाई, तू पागल है क्या? रिक्शा भाई साहब अपने मालिक को छोड़ के भाग रहा है भाई साहब, कितना अजीब रिक्शा है यार, इसके ऊपर मेरा हमको इसके ऊपर भरोसा नहीं है भाई साहब। जब ये अभी मुझे छोड़ दे रहा तो यार ये कब कब मुझे छोड़ेगा, मुझे तो अब डर लग रहा है भाई साहब। खैर कोई नहीं, सो अब मैं ना अपने ना रिक्शा में ना हैंड ब्रेक लगाऊंगा, क्योंकि यार ये इतनी प्यारी सी रिक्शा है मेरी है, और इसमें हैंड ब्रेक नहीं है, ये कितना ज़्यादा बेइज्जती वाला बात है और कितना ज़्यादा फ़नी बात भी है। और हाँ मुझे पता है कि हम लोग के 100 के सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप लोग इंतज़ार करते होगे 100 के स्पेशल वीडियो के, तो यार देखो जल्द से जल्द मेरा इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आ जाए प्ले स्टेशन बोल ले, आई मीन सिल्वर प्ले बटन, जब वो आ जाएगा फिर हम एक वीडियो बनाएंगे रिएक्टिंग टू माय ओल्ड वीडियोस कुछ इस टाइप का, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग बोले थे रिएक्शन वीडियो बनाओ, तो यार मैं वही करने वाला हूँ, और वो वाली वीडियो एकदम बैड ऐस होगी, बहुत ज़्यादा सही होगी, बहुत ही ज़्यादा सही होगी। बाकी तो यार ये कैसी मेरी गड्डी भाई, तू कहाँ जा रहा है, तू पागल हो गया क्या भाई? अरे रुक जा भाई मेरी गड्डी यार, ऑटो तो यार मेरा जो है ना इधर से उधर उधर से इधर चलती है, पर एक मिनट मैं इस साइड क्यों आया हूँ, मुझे तो अभी घर जाना चाहिए, मैं फालतू का अपना ऑटो घुमा रहा हूँ पता नहीं क्यों, बट या मैं घुमा रहा हूँ। और मुझे बताओ क्या मुझे एक और नया चैनल खोलना चाहिए फनी वीडियो के लिए, प्लीज़ बताओ बताओ यार वो क्या कर रहे हो? आई थिंक सुना मुझे ना एक कम्युनिटी पोस्ट डालना चाहिए, उसमें पूछना चाहिए शुड आई स्टार्ट अ न्यू चैनल फॉर फनी वीडियोस, ठीक है मैं ऐसा कुछ लिखेंगे ओके, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, देखते हैं आदमी तुम लोग क्या रिस्पॉन्स करते हो, हाँ करते हो या फिर ना करते हो, देखो क्या होता है। बाकी तो यार तुम लोग देख ही सकते हो हम लोग घर पहुंच गए और रात भी हो गया, नींद भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई साहब, ये भी जो ऑटो है ना भाई साहब ये इतना ज़्यादा टेढ़ा हो जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है बट यार ये हो जा रहा है, अब हो रहा है तो होने तो चलो ठीक ही है। और आज हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज आज हम लोग एक रिक्शा वाला बने थे, और ये वाला भी लाइफ बहुत ज़्यादा सही है, देख लो यार कितना ज़्यादा मज़ा आता है। बट यार तुम लोग अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिक्शा वाला सिर्फ गेम ही में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए अपने अम्मी अब्बू का बात सुनो, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करो, यूट्यूब करो तो उसको हमेशा सेकेंड टाइम मतलब कि सेकेंड चीज़ रखना, पार्ट टाइम रखना उसको हमेशा, ठीक है? बाकी तो यार चलो तब ठीक है, और तो यार मुझे आउट ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि आई थिंक सो अब 10 मिनट का वीडियो होने ही वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, स्टे होम स्टे सेफ।
चलो तब ठीक है यार, अपना ख्याल रखो यार, अपना ख्याल रखा करो यार, क्यों ऐसा करते हो? मम्मी अब्बू जो बोल लेना, मम्मी अब्बू यार मैं क्या बोलूँ, मम्मी अब्बू यार, ये लोग जो पापा मम्मी लोग जो बात बोल लेना, वो सब बात को समझो, वही सब करो। चलो तब ठीक है, अल्लाह हाफिज़।